महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रहे बाबा सियाजुद्दीन सिद्दीकी की शनिवार रात एक गोलीबारी में मौत हो गई। गोलीबारी के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस हत्याकांड में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि हमले में बाबा सिद्दीकी के बेटे MLA जिशान सिद्दीकी बाल बाल बचे। बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी खेरवाड़ी के पास अपने ऑफिस में थे। दोनों घर जाने के लिए एक साथ निकलने वाले थे, लेकिन जिशान का फोन आ गया और उन्हें तुरंत निकलना पड़ा। जिशान सिद्दीकी ऑफिस के बाहर निकले और 5 मिनट के अंदर बाबा सिद्दीकी पर हमला हो गया। बता दें, जिशान सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, बाबा सिद्दीकी के पास वाई सिक्योरिटी नहीं है। जिशान सिद्दीकी को 15 दिन पहले थ्रेड आया था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा वाई कैटेगरी की कर दी गई। जिस समय गोली चलाई गई, उस समय जिशान सिद्दीकी की गाड़ी आगे थी और बाबा सिद्दीकी की गाड़ी पीछे थी। देर शाम NCP नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई। उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां गोली लगने से उनकी मौत हो गई। NCP नेता बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने से जुड़े दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और मुंबई पुलिस के अनुसार फायरिंग में 9.9 mm की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है।